यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में दूसरे न्यूज कास्टिंग एंड प्रोग्रामिंग एंकर कोर्स का आगाज एहतमाम स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज ने किया। इफ्तिताही तकरीब में प्रोरेक्टर डॉक्टर जफरुल्ला खान, डीन मीडिया स्कूल प्रोफेसर डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख, एंकर पी जी मीर, मदीहा आबिद अली और अलीला लोधी ने शिरकत की। कोर्स के पहले रोज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के 25 अफराद ने हिस्सा लिया। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल कोर्स 13 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रोफेसर जफरुल्ला खान का कहना था कि एंकर बनने के लिए आपकी शख्सियत बहुत अहमियत रखती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री एक बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसमें एक अहम शोबा टीवी एंकरिंग का है, तो ये कोर्स पर्टिकुलरली हमने टीवी एंकरिंग की प्रोफेशनलिज्म की रिक्वायरमेंट को सामने रख के शुरू किया है। प्रोफेसर डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख का कहना था कि ये पहली यूनिवर्सिटी है जहां न्यूज एंकरिंग और न्यूज कास्टिंग का कोर्स करवाया जा रहा है। पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां पर एंकरिंग के कोर्स के हवाले से ये दूसरी मरतबा सर्टिफिकेट कोर्स का आगाज किया गया है। टीवी एंकर्स ने यूनिवर्सिटी के कोर्स को सराहा और कहा ये अच्छी काविश है, एंकर बनने के लिए खुद एतमादी का होना बहुत जरूरी है। यहाँ आई एम श्योर आपका तलफ्फुज ठीक कराया जाएगा, यहाँ आपको बात करने का एक मैं समझता हूँ एक तरीका बताया जाएगा, आपको द नॉर्म्स ऑफ टेलीविजन, नॉर्म्स ऑफ मीडिया दिखाए जाएंगे। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्टेप। इतनी बड़ी तादाद आई है डिफरेंट फील्ड से लोगों की, और वो एंकर बनना चाहते हैं, वो रिपोर्टर्स बनना चाहते हैं, वो असाइनमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं और उनके पास एक विजन है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो जितने भी एंकर जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, माशाल्लाह नए नए बच्चे हैं जो वो आ रहे हैं, उनमें कुछ जैसे आप कह लो तलफ्फुज़ जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उनके स्टाइल में प्रॉब्लम है, बाकी सब एजुकेशन सबके पास होती है। एंकर्स का मजीद कहना था कि ऐसे कोर्सेज से नए चेहरों को भी मीडिया में अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। कैमरामैन फरहान शेख के साथ सुंदस खान, लाहौर न्यूज।